और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने साग में लगा दिया है बढ़िया वाला तड़का। और देखिए लग रहा है ना, ये हमारे घर में गाड़ी की मूली है, कितनी बढ़िया निकली है। और ये मैंने रात साग बनाया था और अभी ये ठंडा हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा जमा जमा से लग रहा है। अभी बस मैं इसको छोक रही हूँ। रात में तो एक बार और मैंने छोक दिया था। देखो फ्रेंड्स, पूरा ना ही कुकर मतलब यहाँ तक भर रहा था, तो मैंने कुछ तो हमने रात खा लिया और मैंने अपनी जेठानी दीदी को भी दे दिया इसमें से काफ़ी सारा। और अब मैं दोबारा से छोक रही हूँ साग, क्योंकि ना साग जितनी बार छोको उतनी बार ही मतलब इसका टेस्ट और दुगना बढ़ता है। कहते हैं कि बासी साग तो और भी ज़्यादा स्वाद लगता है। तो मैं ना यहाँ पे फिर सरसों का तेल डाल रही हूँ दोबारा से और एक बार फिर से छोंकूंगी मैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है साग। फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ ना पड़ोस में किसी की पिन्नी थी, तो मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मेरी जेठानी दीदी गई थी। तो ये मेरी बेटियों के लिए प्रसाद जो कन्या को निकालते हैं ना सबसे पहले, वो प्रसाद लेकर आई थी। तो अब जब स्कूल से आएंगी तो खुश हो जाएंगी, हलवा भी और पैसे भी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने साग में लगा दिया है बढ़िया वाला तड़का। और देखिए लग रहा है ना बिल्कुल जैसे शादियों में होता है ना साग, तो ऐसा। और बस थोड़े से बर्तन साफ़ कर लूँ, उसके बाद इन्होंने बोला है कि मक्के की रोटी बनाना, तो देखती हूँ वैसे इनके लिए मतलब थोड़ी मतलब मक्के की रोटी मैं बना लेती हूँ एक जने के लिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना बहुत सारी रोटी बनानी, तब मैं मक्के की रोटी नहीं बना पाती, तब मेरी सासू माँ ही बनाती हैं। लेकिन जैसे एक दो जने के लिए मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी इतनी नहीं आती, बना लेती हूँ कि हाँ किसी का अगर मन कर रहा है मक्के की रोटी खाने का साग से, तो मैं इतना तो मैं बना लेती हूँ। ये हमारे घर पे गार्डन की मूली है, कितनी बढ़िया निकली है। और ख़राब हो गया था ना बारिश के मौसम से, ख़राब हो गई थी, तो रुक ये निकली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी किचन में आ गई हूँ और मैं बस नहाने ही जा रही थी, इतने में ये बोले कि मुझे जाना है, जल्दी जाना है। तो मैं इनके लिए जल्दी से मक्के की रोटी बना रही थी और जल्दी मैंने आटा गूंथा, इसका आटा जो मैंने इसका तैयार करा मक्के के आटा, और यहाँ पे मैं मक्के की रोटी बना रही हूँ। बस जैसी बनती है मैं वैसी बना ही रही हूँ। और फ्रेंड्स, कोई भी काम ना मुश्किल नहीं होता अगर आप चाहें तो। मैंने भी देखी सीख लिया, क्योंकि मैं ना शादी से पहले अपनी मम्मी को देखती ज़रूर थी मक्के की रोटी बनाते हुए, लेकिन मैंने कभी भी नहीं बनाई, और मैंने फर्स्ट टाइम अपने ससुराल में ही आके बनाई थी। तो देखिए, अगर आपको लगन होती है ना तो आप हर काम सीख सकते हैं। तो मक्के की रोटी भी बहुत आसानी से मैंने सीख ली और बहुत ही अच्छी बना लेती हूँ, मतलब ज़्यादा तो नहीं बना पाती, लेकिन हाँ जितनी भी बनाती हूँ थोड़ी बहुत 5-6 रोटी जो भी बनाती हूँ अच्छी बना लेती हूँ। तो इसलिए आपको हमेशा ना हर काम करने की लगन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में बताइएगी कि क्या मैं मक्के की रोटी बिल्कुल सही बनाती हूँ। थोड़ा सा बस गेहूँ का आटा जरूर मिक्स करती हूँ, मुझे ऐसे प्योर और मक्के के आटे की रोटी नहीं आती बनानी। तो देखिए मेरी मक्के की रोटी भी तैयार हो गई है और सरसों का साग भी तैयार है। साग तो मैं पहले ही बहुत अच्छा बनाती थी, और जब मैं साग बनाती हूँ तो सब मेरे साग की तारीफ बहुत करते हैं, बहुत अच्छा साग बनाते हैं। ये मैं फ्रेंड्स अपने मुँह से नहीं कह रही हूँ, सब कहते हैं इसलिए बता रही हूँ। तो ये बस मैं इनको रोटी देने के लिए जा रही थी, ये खा रहे हैं ड्राइंग रूम में खाना, और फिर खाना खा के चले जाएंगे, उसके बाद ही मैं आराम से फिर काम करूँगी जो भी थोड़ा बहुत काम बच गया है। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल वी हाउस वाइफ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया था साग, मतलब रात बनाया था साग तो, लेकिन उसको दोबारा से मैंने फ्राई करा है, क्योंकि साग को जितना अच्छे से छोको उतना ही टेस्टी बनता है। और सबको खाने के बाद सारा काम मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी बर्तन वगैरह होता है सब कुछ हो चुका है। आज मैंने कपड़े भी धोए थे, क्योंकि कपड़े का तो बड़ा ही ज़्यादा काम होता है,
क्योंकि ना फ्रेंड्स बच्चे वेडनेसडे को और सैटरडे को वाइट ड्रेस पहन के जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब मुझसे ना हाथ से कपड़े नहीं धोए जाते। पहले तो मैं धो भी लेती थी, लेकिन अब ना पता नहीं क्या उंगलियों में दर्द सा रहने लगा है, तो मैं हाथ से कपड़े नहीं धोती, मैं मशीन से ही धोती हूँ। तो बस वही कपड़ों का काम ख़त्म कर लिया है, और नहा धो के अभी मेरा सर भी गीला है, उसको तो मैं बाद में मतलब धूप में बैठ के सुखाऊंगी अच्छे से। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स बस मैं ही रह गई हूँ अभी खाना खाने के लिए। चलो तो मैंने मक्की की रोटी बनाई थी साग से, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं आती है फ्रेंड्स मक्की की रोटी बनानी। एक ऐसे मतलब एक दो जने के लिए तो मैं बना लूँगी, लेकिन जो ज़्यादा बनती है रोटी तब मेरी सासू माँ ही बनाती हैं। और अब तो बस इनको ज़्यादा शौक है, मेरी सासू माँ को भी बहुत शौक है साग से मक्की की रोटी, तो बस मैं इन दोनों के लिए बना देती हूँ। मेरे को इतना शौक नहीं है मक्की की रोटी, बस मैं एक या दो, मुश्किल से वैसे तो मैं एक ही खा पाती हूँ। तो बस मैं अपना खाना लेने के लिए जा रही थी किचन में, तो चलिए आप भी मेरे साथ खा लीजिएगा। फ्रेंड्स देखो रोटी ना मक्की की ठंडी हो गई है, और मैं इसकी थोड़ी गैस हो गई है, और ये बैंगन का भरता बनाया था ना, तो सब फ्रेश सब्जी खाते हैं, तो थोड़ा सा मैंने बैंगन का भरता भी ले लिया, और साग है, मूली है, हरी मिर्च है। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप भी खा लीजिए मक्की की रोटी और गरम गरम साग। तो फ्रेंड्स ले आई हूँ मैं अपने लिए भी खाना, और मैं खाना खा रही हूँ, बैंगन का भरता है, साग है, और मूली और हरी मिर्च के बिना तो मतलब साग का मज़ा ही नहीं आता। और बस खा के ना फिर थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, और ये मूंगफली भी लेकर आए थे तो मूंगफली भी साथ साथ मतलब खा लूँगी, क्योंकि ना मतलब जब तक बच्चे नहीं आते तो थोड़ी बहुत मैं ऐसे ही टाइम पास कर मूंगफली खा लेती हूँ। और मूंगफली तो देखिए सबके घर ही आ रही है आजकल, सभी के घर आती है, बस हमारे ये एक बार में ही ना बहुत सारी मूंगफली ले आते हैं, कम से कम 4-5 दिन चलती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके ही खाते हैं, ज़्यादा खाना भी नुकसान हो जाता है। बस खाना खा के जा रही हूँ धूप में अब। थोड़ी देर धूप में बैठ के अपनी बॉल्स आई थी, बॉल ली है, और जब तक नहीं आ रहे बच्चे तब तक मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मूंगफली खा लूँ। और फ्रेंड्स मूंगफली ऐसी चीज़ है कि मतलब सबके घर में आती होगी मूंगफली जरूर, और मूंगफली का टाइम पास भी बहुत अच्छा जरिया है कि मतलब टाइम पास होता है मूंगफली खाते खाते। तो मैं बस मूंगफली खाती हूँ जब तक बच्चे नहीं आ रहे हैं, और बाल भी सूख जाएंगे धूप में मेरे, तब तक ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी मछली मैं ऐसे ना डिब्बे में भर के रख लेती हूँ, ताकि बच्चे बखेरे ना और मतलब ढंग से खाएं। तो ज़्यादा मूंगफली खाना भी सेहत के लिए नुकसान देता है, बस मैं थोड़ी सी मूंगफली रख लेती हूँ यहाँ पे, इसके रखकर में रख लूँगी थोड़ी सी मूंगफली ना, बस ज़्यादा मूंगफली नहीं खानी चाहिए वरना तो फैट भी बढ़ता है और नुकसान भी दे जाती है। तो फ्रेंड्स मैं तो खा रही हूँ मूंगफली, और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।